और एक फिल्म आई थी। कौन सी फिल्म आई थी बेटे? बाबूलाल भैया सुनिए, फिल्म का नाम था शोले। शोले फिल्म का नाम था शोले। और क्या? फिर उसमें गब्बर सिंह बोले। क्या बोले गब्बर सिंह? आप लोगों ने देखा होगा क्या कि उसमें हेमा मालिनी जी वो तांगा चला रही हैं। और देखिए गाना कौन सा गा रही हैं? कौन सा? साथ में उनके धर्मेंद्र भी हैं। अरे और अरे हाथ में चाबुक जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। लेकिन हमारे जवाहर दादा गाया करते थे। क्या गाया दादा? सुनिए, इनकी घरवाली जब रूठ जाती है तो पूरी गन मशीन हो जाती है। लेकिन वही घरवाली जब मान जाती है तो पूरी चाउमीन हो जाती है। और वही घरवाली जब धोने पे आती है तो वॉशिंग मशीन हो जाती है। वाह, ये गाना है क्या हकीकत? अच्छा, भैया हमारे शिव नारायण जी उज्जैन वाले और भूरे खटीक, ये दादा की ओर से उज्जैन वाले, आपकी तरफ से ये फिर 20 रुपए का पुरस्कार आया है। हाँ अच्छा, हमें पता था ये गाना आपको पसंद आएगा। और तो इनकी घरवाली जब रूठ जाती है तो पूरी गन मशीन हो जाती है। लेकिन पंक्ति कह रही है मेरी क्या? हाथों में चाबुक होठों पे गालियां बड़ी नखरे वालिया होती है तांगे वालिया। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो अब ये तो है तर्ज। लेकिन भाई साहब अब आप मेरे कटपीस को सुनिए, मैं क्या कह रही हूं। क्या? एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। जब वो वनवास पहुंच गए तो आपस में देखिए दोनों लोग वार्तालाप करने लगे। बोले लखनलाल ने कहा, भैया एक बात नहीं समझ में आ रही है। कौन सी? बोले भैया जब से हम लोग वनवास में आए 13 साल तो अच्छे से गुजर गए, लेकिन ये 14वें साल में इतनी समस्याएं इतनी आपदाएं क्यों आ गईं? तो राम जी ने कहा तुम्हें नहीं पता? लखनलाल ने कहा नहीं भैया बताओ। अरे तो राम जी बोले
बोले भैया हे लक्ष्मण, चौदहवें साल में ये समस्याएं ये विपदाएं इसलिए आई क्यों? क्योंकि जब जब भी कभी कोई काम प्रकृति के विरुद्ध किया जाएगा हमेशा ऐसा ही आपदाएं आएंगी। और क्या? तो लखनलाल बोले कौन सा काम प्रकृति के विरुद्ध हो गया? तो राम जी बोले याद करो लक्ष्मण, जब वो नारी आई थी और कह रही थी कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तो कहा वो सुनो कैसी नारी थी वो? कहा कैसी? राम जी बोले क्या कि कोई विधवा नारी जब, कोई विधवा नारी जब श्रृंगार करती है तो। लक्ष्मण जी बोले वो तो झूठ मूठ का श्रृंगार करे थी, विधवा थी लेकिन झूठ मूठ का करे थी। तो राम जी बोले भले झूठ मूठ का करे हो लेकिन किया तो था, किया तो था, ये नियम के विरुद्ध है, ये काम प्रकृति के विरुद्ध उसने किया और विधवाओं को श्रृंगार वर्जित है। बिल्कुल। राम जी बोले सुनो, तो कोई विधवा नारी जब श्रृंगार करती है तो दोनों कुल में दाग लगा देती है। कैसे? कैसे? पहले पीहर में, पीहर यानी पिया का घर, तो पहले पीहर में बंटा धार करती है, फिर वो मैके में आग लगा दे। और जो जब वो नारी आई थी लक्ष्मण और कह रही थी तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, तो सुनो सुनो कि काम की ज्वाला भीतर है जलती, उसके भीतर काम की ज्वाला जल रही थी और करती वो बाला, सुन लो अरे गलती पे गलती। और वो तो ऐसी नारी थी, कैसी कि ससुराल में का अरे जाए निगलती, और ऐसी नारियां हमेशा ऐसा ही करती हैं। और का कि अमृत पिए पर वो अरे जहर है उगलती। और जब भी विधवा नारी श्रृंगार करके, सुनो लक्ष्मण सुनो, जब भी स्वच्छंद हो जैसे सुपनखा, जब भी स्वच्छंद हो विहार करती है तो, जब भी स्वच्छंद हो विहार करती है, बैरागी मन में राग जगा देती है। तो पहले पीहर में बंटा धार करती है, फिर वो मैके में आग लगा दे। मैके में आग लगा देती है, वो मैके में आग लगा दे। चंद्र की जय। बहुत अच्छा टुकड़ा। आपकी ओर से आया है? हाँ आया भाई। के हाथों में चाबुक,
पालियां होती हैं तागे बाया। अब आपने तो ना जाने क्या का बता दिया है, सब कुछ चाउमीन हो जाती है, गन मशीन हो जाती है, वॉशिंग मशीन, ये अपने अपने अनुभव की बात है। होती हैं तांगे वालियां तो कोई तांगे वाली जब टूट जाती है, कोई तांगे वाली तांगे वाली जब टूट जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो बहन राखी जी, आप के टुकड़े में आया है कि कोई प्रकृति के विरुद्ध जब काम होता है तो उसका अंजाम भी यही होता है, और उसमें आपने बताया अरे कोई विधवा नारी जब श्रृंगार करती है तो दोनों कुल में ताग लगा देती है, दोनों कुल में ताग लगा देती है, और पहले भी हर में पंटा ढार करती है, मायके में आग लगा देती है। अब जहां तक बात आती है दोनों कुल की, मैं राखी जी, अब प्रकृति के विरुद्ध काम होता है इस बात को छुटलाया नहीं जा सकता है, और क्या जब होता है अकेला नारी के लिए नहीं, अकेला नारी के लिए नहीं, चाहे कोई भी हो अगर प्रकृति से छेड़छाड़ होगी के विरुद्ध कार्य होगा तो उसका अंजाम भी बुरा होगा, ये बिल्कुल अटल सत्य है। लेकिन उसके लिए हर नारी को समान नहीं लेखा जा सकता है, समान नहीं लेखा जा सकता है। सुनिए सुनिए, के चाहे हो मैं का आदरणीय आचार्य जी, के चाहे हो मायका और चाहे ससुराल हो, चाहे हो मायका चाहे ससुराल हो, और सतयुग हो त्रेता द्वापर हो, अरिया की ये कलिकाल हो, बहुत बढ़िया भैया, आपने उसको दर्शा दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने जवाब की पंक्तियों में किसी एक नारी की बात नहीं कर रहा हूं, इतनी नारियां हैं हमारे इस भारत भूमि पर, इतनी नारियां हो गई हैं
कि अगर उनके नाम गिनवाऊंगा तो सदियां बीत जाएंगी। अरे सतयुग हो त्रेता द्वापर हो हरिया की ये कलिकाल हो, तो हर एक पन्ना इतिहास का गवाही है, हर एक पन्ना इतिहास का गवाही है। और सदा यही बात पाई जाती है, अरे ग्रंथों में बात पाई जाती है। अब जो नारी आपने बताई है वो अलग है, लेकिन नारियों में नारियां, चाहे माता सीता को ले लीजिए, चाहे माता सती अनुसुईया को ले लीजिए, चाहे सती शांडली को ले लीजिए, अरे हर एक पन्ना इतिहास का गवाही है, ग्रंथों में बात पाई जाती क्या के सत बल प्रबल जब नारी का होता, सत बल प्रबल जब नारी का होता तो सांच पे वो आंच नहीं। आचार्य जी, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो लंका हो, चाहे यहां अयोध्या की जनता हो, चाहे भगवान स्वयं श्री राम सामने हो, चाहे वो लंका पति रावण हो, क्या बात, लेकिन अरे सत बल प्रबल जब होता सती का तो सांच पे वो अब इसमें सबको छुपा है बहन जी, सबको छुपा है, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। आपने कहा कि दोनों कुल में दाग लगा देती है नारी, वो होंगी कोई नारी, लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो माता सती। कितनी सतियां हमारी इस भारत भूमि पर, के सत्य बल प्रबल जब नारी का होता तो साच पे वो वाच नहीं आती, साच पे वो वाच नहीं। ये आपका सुंदर सा टुकड़ा